स्काउट गाइड कोटा रेलवे रिक्रूटमेंट 2021। स्काउट गाइड कोटा रेलवे भर्ती 2021। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल की 2021 की सेंट्रल रेलवे के स्काउट गाइड कोटा रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा ऑल अबाउट स्काउटिंग का टेलीग्राम चैनल है। हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे हमने एक पोल कंडक्ट कराया था, जिसमें 52 लोगों ने ये देखा है और उसमें से 26 लोगों ने इसमें वोटिंग की है। तो इस पोल का प्रश्न था, इस स्काउट गाइड रेलवे भर्ती 2021 के जानकारी के लिए पूरा वीडियो आना चाहिए क्या। तो 52 में से 26 लोगों ने वोट किया है और सभी ने 100% चाहिए बोल के वोट किया है। तो उन्हीं सभी हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स के डिमांड पे ये वीडियो बन रहा है। तो यदि आप भी ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं स्काउट गाइड कोटा रेलवे भर्ती के बारे में, तो आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वेरियस पोल्स भी कंडक्ट किए गए और जैसे ही नोटिफिकेशन अपलोड हो गया तो हमने यहाँ पे अपडेट दे दिया था। तो ऐसे ही सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है स्काउट गाइड रेलवे रिक्रूटमेंट कोटा का नोटिफिकेशन 2021 का, 2021 का। तो यहाँ इस नोटिफिकेशन से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। बाकी आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, यदि हम पूरा कवर करते बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत सारे दर्शकों की डिमांड रहती है कि वीडियो छोटा रहना चाहिए। तो देखते हैं फटाफट क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू होने वाला है? 6 दिसंबर को 11 बजे से 20 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक ये रहेगा ओपन। और ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो कहाँ पे होगा? तो मुंबई डिवीज़न, भुसावल डिवीज़न, नागपुर डिवीज़न, पुणे डिवीज़न एंड सोलापुर डिवीज़न। हर एक डिवीज़न में से 2 पोस्ट होगी, कौन सी वाली? लेवल 1 की, और 2 पोस्ट लेवल 2 की होगी, यानी टोटल 12 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है। आगे देखते हैं, तो जो भी पार्टिसिपेट करेंगे कैंडिडेट्स, वो कम से कम इंडिया के सिटीज़न होना ज़रूरी है, बाकी अन्य कोई भी देश के नागरिक हो तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, जो भी कैंडिडेट है वो लेवल 2 के लिए भी अपेयर हो सकते हैं और लेवल 1 के लिए भी अपेयर हो सकते हैं, और दोनों का फॉर्म भी एक साथ भर सकते हैं, वो आप वेबसाइट पे देखेंगे बाद में फॉर्म भरते वक्त। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो मिनिमम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो लेवल 2 के लिए आपने 12th यानी HSC तक पढ़ाई की होनी चाहिए और आपको 50% से ज़्यादा मार्क होने जरूरी है। और ये 50% की जो कंडीशन है वो SC ST एक सर्विसमैन के लिए नहीं है, या उसे समांतर जो भी है क्वालिफिकेशन, पास मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, या उसको भी एक और दिया गया है पास मैट्रिकुलेशन प्लस ITI जो है वो कंप्लीट किया रहना चाहिए लेवल 2 के लिए। लेवल 1 के लिए है 10th, यदि आप 10th पास है, SSC पास है तो भी, या ITI होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद सेकंड बी पॉइंट, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी स्काउट गाइड की क्वालिफिकेशंस दी गई है, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सबसे बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वालिफिकेशंस है वो दोनों लेवल के लिए है, बोथ लेवल 1 एंड 2। तो इसमें सबसे पहला क्वालिफिकेशन है अ प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर और हिमालयन वुड बैच होल्डर इन एनी सेक्शन। यानी कि जो भी स्काउट गाइड रोवर रेंजर होंगे वो कैसे होंगे? उनके पास प्रेसिडेंट अवार्ड होना चाहिए, या नहीं तो जो भी कैंडिडेट होगा वो हिमालयन वुड बैच का HWB होल्डर होना चाहिए। उसके बाद है शुड हैव एन एक्टिव मेंबर ऑफ स्काउट ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल से आप स्काउट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर होने चाहिए। ये सभी क्वालिफिकेशन हमने पहले भी इन डिटेल कवर किए हैं अपने चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग पे, उस वीडियो पे भी आप ये सभी इन्फॉर्मेशन हमेशा पा सकेंगे। तो ये सिर्फ इस नोटिफिकेशन के लिए है। क्या होता है, बहुत बार जानकारी बदल जाती है, नॉर्म्स बदल जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपडेट के लिए ये वीडियो बनाए। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है, ये जो एक्टिवनेस है उसका सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस बनाना है, उसका फॉर्मेट एनेक्सर ए में दिया गया है नीचे। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट है शुड हैव अटेंडेड 2 इवेंट्स एट नेशनल लेवल, यानी कि आपने 2 नेशनल इवेंट किए रहने चाहिए अटेंड, या रेलवे का जो भी ऑल इंडिया रेलवेज का इवेंट रहता है नेशनल का, वो आपने अटेंड किया रहना चाहिए। और आगे कैपिटल में एंड लिखा है, यानी कि इस नेशनल के सर्टिफिकेट के साथ आपके पास स्टेट लेवल के भी 2 सर्टिफिकेट होने जरूरी है, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि ये सभी आप रिक्वायरमेंट आपके पास हो तभी है आप एप्लीकेशन करें, नहीं तो इसके लिए भी प्रावधान आगे बताने वाले हैं। उसके बाद यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके लिए भी
प्रावधान दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, वो आगे देखेंगे। तो तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एज, एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट है, ये भी हमने अपनी वेबसाइट ऑल अबाउट स्काउटिंग डॉट कॉम पर इसका एलिजिबिलिटी चेकर बनाया है, उसमें ये दिया गया है। तो आपका जो एज है वो लेवल टू के लिए अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो 30 तक आपका एज होना जरूरी है। यदि आप अन्य कौन से भी कैटेगरी से हो तो OBC के लिए 3 ईयर्स और SC ST के लिए 5 ईयर्स का, यानी कि 5 साल की मोहलत दी गई है एडिशनल। और लेवल वन के लिए ओपन कैंडिडेट का मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है और SC ST के लिए 5 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया गया है और 3 ईयर्स का OBC को एक्सटेंशन दिया गया है। इसके बीच में ही आपका एज होना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके पास ये वाले क्वालिफिकेशन नहीं है, ये जो भी है क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन फ़ी का प्रावधान आपको देखना चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है? तो ऑल कैंडिडेट्स जो दूसरे पैराग्राफ में, मतलब यहाँ पे मेंशन किए गए, उनको छोड़ के सभी को फ़ीस है 500 रुपीज़, 500 रुपये आपको पे करने हैं। इसमें से क्या होगा, इसमें से 400 रुपये आपको रिफ़ंड किए जाएंगे। और ये रिफ़ंड कब होंगे? जब आप अपना फॉर्म भरेंगे और वो वेरीफाई हो जाएगा और आप एक्चुअली एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, तब आपको ये 400 रुपये का रिफ़ंड आपको मिलेगा। ये ऐसा क्यों किया गया है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये जो क्वालिफिकेशन दिया गया है ये उनके पास नहीं होता, फिर भी एग्ज़ाम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनके पास बाद में नहीं होता। इसकी वजह से सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो एक्चुअली एग्ज़ाम फ़ी 100 ही रुपये है, लेकिन ये जो 400 रुपये है वो वेरिफिकेशन के बाद, यदि आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है और आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो जाते हैं, तभी आपको ये 400 रुपये का रिफंड मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट जो है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है और दिव्यांग जो लोग हैं, उन सभी के लिए एग्ज़ाम फ़ी 250 रुपये है और ये जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो पूरा अमाउंट 250 का आपको मिलने वाला है। यानी कि आप ये जो SC ST एक सर्विसमैन या वीमेन यानी महिलाओं के लिए भी फीस कितनी है, एक्चुअली 0 ही है, लेकिन बाद में इसका रिफंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण ही हम देखेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है? तो यहाँ पे बताया गया है कि रिक्रूटमेंट का क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रिटर्न टेस्ट होगा 60 मार्क्स का, उसमें क्या आएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और एक ऐसे का क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, जो बोथ लेवल वन और लेवल टू के लिए सेम ही पैटर्न रहेगा। और ये सभी हमने हमारे ऑल अबाउट स्काउटिंग डॉट कॉम पर ये सब पहले ही बताया है और साथ ही में अपने यूट्यूब चैनल पर भी ये सभी सिलेबस के वगैरह वीडियो पहले ही अपलोड किए थे। उसके बाद सर्टिफिकेट्स आपके पास कौन से होने चाहिए? तो यदि आपको 10 मार्क्स चाहिए तो आपके पास 4 नेशनल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। पहले दो जो है उसके लिए मार्क्स नहीं है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें एडिशनल 2 मार्क्स, 2 सर्टिफिकेट होंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे। सेम ही स्टेट के लिए है, आपके पास यदि स्टेट के 4 सर्टिफिकेट होंगे तो एडिशनल 10 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही में आपके यदि आपने कोई नेशनल स्पेशलाइज इवेंट किया है नेशनल या स्टेट लेवल का, तो उसके लिए भी 1 कोर्स के लिए 7 मार्क और 2 और मोर कोर्स के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। साथ ही में आप यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं तो 3 या 3 से ज़्यादा के सर्टिफिकेट होंगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। आपको वीडियो में पहले वाले एक्सप्लेन किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद सिलेबस दिया गया है, वो ये एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो आपको प्रिपेयर करना है, जो कि पूरे स्काउटिंग के करिकुलम को कवर करता है। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है समय कितना है एग्ज़ाम का, 60 मिनट्स। और साथ ही में यहाँ पे पैटर्न भी बताया गया है, देखो 40 मार्क्स के MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स में होंगे, 20 मार्क्स का ऐसे लिखना है आपको। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में होगा। साथ ही में देयर विल बी नो इंटरव्यू, इस बार इंटरव्यू नहीं है इस एग्ज़ाम में, ये आपको याद रखना है। और साथ ही में और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि इसके लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसमें अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके 1/3 मार्क्स काटे जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो आपको निगेटिव मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, यहाँ पर आप टुक्के नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है वो उसके बारे में बताया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही में आपको आपके पास क्या होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, इसका भी फॉर्मेट, फाइल साइज़ वगैरह सब दी गई है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। साथ ही में अभी यहाँ पे देख सकेंगे कि आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी गाइडलाइंस दी गई है, उसके हिसाब से आपका सिग्नेचर स्कैन किया होना चाहिए। उसके साथ फॉर्म भरते वक्त आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स फिल करनी है वो कौन सी है वो यहाँ पे दिया गया है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, तो जो हमने पॉइंट नंबर 2 भी देखा था उसके हिसाब से ही ये डॉक्यूमेंट्स है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वुड बैच का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा या प्रेसिडेंट अवार्ड का सर्टिफिकेट हो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसका कॉपी आपको, स्कैन कॉपी अपलोड करना है। उसके बाद जो
ये देखिए पैरा 2B में जो भी बताया गया है उस सभी के सर्टिफिकेट की आपको कॉपी अपलोड करनी है, यानी कि 2 नेशनल के सर्टिफिकेट कम से कम और 2 स्टेट के, यानी कि टोटल 4 सर्टिफिकेट कम से कम आपको अपलोड करने हैं तभी आप एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी जन्म तारीख है वो कौन से भी प्रमाण पत्र पे होगा, जैसे कि 10th का मार्क लिस्ट होगा या और कौन सा भी आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उस कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी आपको लगानी है। उसके बाद ये हो जाने के बाद, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद, फिर पहले क्या होगा, पहले आपके सभी सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से एक बार ईमेल वगैरह आ जाएगा और उस वक्त आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये हॉल टिकट जो है 11 पॉइंट है वो इश्यू किया जाएगा और उसमें जो भी कुछ बातें होगी वो आपको बता दी जाएगी कि एग्ज़ाम कब है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा उससे पहले 2 हफ्ते पहले आपको ये कॉल लेटर आ जाएगा, ई कॉल लेटर, जिसमें आपका हॉल टिकट वगैरह सब इन डिटेल दिया जाएगा। तो उसके बाद आपके ई कॉल लेटर के साथ साथ आपको एग्ज़ाम के लिए अपना कौन सा भी आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में ओरिजिनल कॉपी ले जानी है रिटर्न एग्जाम के लिए। साथ ही में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आपके पास आपका एक कलर फोटोग्राफ होना ज़रूरी है रिटर्न टेस्ट के लिए जाएंगे, तब ये बहुत बार भूल जाएंगे, बाद में आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे 11.6 जो पॉइंट दिया गया है ये सभी ऊपर वाले को कवर करता है। तो आपके पास एग्जाम के वक्त क्या क्या होना चाहिए, आपका ई कॉल लेटर होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड या फोटो आईडी जो भी है, उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट साइज एक फोटोग्राफ होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो ये ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पे हेल्प डेस्क के बारे में बताया गया है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे संडे छुट्टी रहेगी और अन्य कौन सा हॉलीडे होगा तो छुट्टी रहेगी, और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो ये ईमेल आईडी आप इस्तेमाल कर सकेंगे कुछ जानकारी पाने के लिए वगैरह। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये आपको पढ़ लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन हम नहीं कवर कर सकेंगे, तो ये जितना शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं वो बनाना है। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड कब हो जाएगी ये भी यहाँ पे बताया गया है कि आपका सिग्नेचर बराबर नहीं, फोटोग्राफ बराबर नहीं, यदि आपने फोटो निकाला है लेकिन गॉगल वगैरह पहन के निकाला है या फोटो में आप नहीं दिखाई दे रहे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका बराबर नहीं है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद ओवर एज या अंडर एज जो भी कैंडिडेट है उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, फिर इम्पोर्टेंट ऐसा आपको पढ़ लेना चाहिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो आप ईयर होने वाले हैं, जिनके पास सभी क्वालिफिकेशन है, उन लोगों ने एक बार फिर ये वीडियो देखने के बाद भी एक बार ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ही आपका एग्ज़ाम का डिपेंडेंस है। यदि इस वीडियो में मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि यदि ये इस वीडियो में कोई गलत जानकारी दी गई है तो वो उसके हिसाब से ना कुछ ना करें, आप जो भी कुछ करेंगे तो इस नोटिफिकेशन के आधार पे कीजिए, ना कि हमारे वीडियो के आधार पे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जानकारी के लिए बनाया गया है, ये कोई भी नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी से अलग कोई जानकारी नहीं देता है। फिर भी आप अपने खुद के ऊपर ये वीडियो पूरा देखें। साथ ही में दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं एनेक्सर, ये जो एनेक्सर ए है ये आपको अपलोड करते वक्त लगेगा। तो ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवनेस, हर एक कैंडिडेट के लिए ये एनेक्सर जरूरी है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आप कौन से जिला से है या डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट से है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके ग्रुप का नाम यहाँ पे लिखेंगे और कब से आप स्काउटिंग में एक्टिव है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे आपके यूनिट का स्टैम्प आएगा, उसके बाद आपके यूनिट लीडर का यहाँ पे नाम आएगा और उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे आएगा। साथ ही में जो भी आपके DOC रहेंगे उनका भी साइन और स्टैंप यहाँ पे आना चाहिए इस फॉर्मेट में। और साथ ही में यहाँ जो देख सकते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो भी रहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनका भी साइन और सील यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद एनेक्सर बी जो है वो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए है, तो जो माइनॉरिटी से आते हैं उनके लिए है। उसके बाद एनेक्सर सी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है, जो EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये फॉर्मेट आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है एनेक्सर डी में। उसके बाद ई में एनेक्सर ई में दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके फॉर्मेट में ही आपको सब इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और वहाँ पे अपलोड करनी है, जहाँ पे आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त। तो दोस्तों, ये था स्काउट गाइड कोटा रेलवे रिक्रूटमेंट 2021।
2021 का नोटिफिकेशन। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्काउट गाइड का इंपॉर्टेंस क्या होता है और स्काउट गाइड से भी रेलवे में भर्ती निकलती है इसके बारे में भी सभी को पता होना चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।